कोरोना के आंकड़ों की, पिछले एक दिन में देश भर में कोरोना के 4,12,262 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3,980 लोगों की जान चली गई है। यह दूसरी बार है जब एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा संक्रमण और मौत दोनों का ही रिकॉर्ड स्तर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में मरीजों ने और मौत के आंकड़ों ने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। देश भर में 4,12,262 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3,980 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये दूसरी बार है जब देश में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,014 मामले सामने आए थे। उस दिन 3,525 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों के बाद अब देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 2,30,168 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के मामले कुल बढ़कर 2,10,77,410 हो गए हैं। ये आंकड़ा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या कल के मुकाबले कम है। मंगलवार को 3,37,000 मरीज ठीक हुए थे, जबकि 24 घंटे में 3,29,000 मरीज ही ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,640 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान राज्य में 920 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटे में 57,006 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल केस बढ़कर 48,80,542 हो गए हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 72,662 है। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 6,41,596 हो गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में भी स्थिति गंभीर है। कोरोना संक्रमण का पीक आने तक देश के 12 राज्यों में स्थिति काफी नाजुक बने रहने की आशंका है। तरुण काल राठौड़, न्यूज दिल्ली।